हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर के आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी जिसका नाम है दम बिरयानी। और यह देसी चिकन से मैंने इस बिरयानी को बना करके तैयार किया है। और इस बिरयानी को बनाने के लिए मैंने बहुत ही कम मसालों का यूज़ किया है और बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार की ये बिरयानी बन करके तैयार हुई है। तो आप मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें। तो मैंने बनाया है देसी चिकन का दम बिरयानी। ये देखिए कितना परफेक्ट, और हर एक दाना बिल्कुल खड़ा और अलग अलग है। तो बहुत ही परफेक्ट बिरयानी बनकर के तैयार हुई है। तो मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैंने इस बिरयानी को बनाने के लिए कौन कौन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ मसालों के बारे में। तो यहाँ पर मैंने लिया है हरी मिर्च, लाल सूखी मिर्च, 4 पीस लहसुन, 2 पीस मैंने लिया है दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 पीस हरी इलायची, 1 चम्मच सौंफ, 1 अदरक का टुकड़ा, 1 चम्मच धनिया, 1 नींबू और 2 टमाटर, 2 चम्मच जीरा। कुछ मसालों को मैं पीस लूँगी, बाकी को मैं काट करके बिरयानी में डालूंगी। 5 पीस मैंने लिया है मीडियम साइज़ का प्याज, इसे फ्राई करके बिरयानी में डालूंगी और चिकन में भी डालूंगी। यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 kg बासमती राइस। ये मसाले और प्याज जो है वो 1/2 kg चावल और 750 ग्राम चिकन के लिए मैंने लिया है। यहाँ पे मैंने देसी चिकन को लिया है 750 ग्राम, इसे अच्छे से धो लिया है और इसकी जो पीस है उसे थोड़े मैंने मीडियम साइज़ का रखा है, ज़्यादा छोटा भी नहीं और ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिया है मैंने, और इसे मैंने साफ़ कर लिया है। आलू को मैंने लिया है जिसे मैं छील लूँगी, उसके बाद धो करके इसे बॉयल करूँगी। फिर मैंने लिया है यहाँ पर तेज़पत्ता और हरी ताज़ी पुदीने की पत्तियाँ, तो इसे भी मैं बिरयानी में डालूँगी। तो सबसे पहले मैं मसालों को पीस लेती हूँ। तो मसाले में मैंने अभी पीसा है ज़ीरा, सौंफ, धनिया, लाल सूखी मिर्च, लहसुन, अदरक, छोटी इलायची और दालचीनी को। तो ये मसाले पीस करके मैंने तैयार कर लिया है। तो सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। अब मैं मसालों को डाल देती हूँ चिकन में। तो ज़्यादा मसाला मैंने नहीं लिया है, बहुत ही कम मसाले में मैं इस बिरयानी को बनाऊंगी। मसाले तो मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं डालूंगी इसमें टमाटर जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है, साथ ही मैंने थोड़ी सी पुदीने की पत्ती को काट लिया है, उसे भी मैं इस चिकन में डालूंगी। और 3 से 4 पीस मैंने हरी मिर्च को इस तरह से 2 पीस में लंबा लंबा साइज़ में काट लिया है, इन सभी को मैं इसमें डाल देती हूँ। अब मैं इसमें डाल दूंगी रिफाइंड ऑयल, तो 2 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल इसमें डाल दिया है। तेल मैं कम यूज़ कर रही हूँ चिकन में, बाद में जब इसको पकाऊंगी उस वक्त भी थोड़ा सा तेल मैं यूज़ करूंगी, और साथ ही चावल में भी थोड़ा तेल डालूंगी। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ टेस्ट के हिसाब से नमक, और सभी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, हाथों से इसे मिला लेती हूँ। तो चिकन में मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अगर आप चाहे तो चिकन में मसालों को इस तरह से लगा करके 3 से 4 घंटे भी फ्रीज में रख सकते हैं। और चलिए मैं इसे रख देती हूँ 1 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने आलू के छिलके को उतार लिया है और उसे 2 पीस में काट लिया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ मसाला वाला पानी। तो जो मसाले को मैंने मिक्सर जार में पीसा था उसमें ही पानी डालकर मैं आलू में डाल देती हूँ, इससे आलू का टेस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। और 1 चुटकी मैंने लिया है फूड कलर, उसे भी मैं आलू में डाल देती हूँ और इस तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि आलू का कलर जो है वो थोड़ा सा येलो दिखे। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी नमक, साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 तेज़पत्ता। उसके बाद मैं इसे बॉईल कर लूँगी। तो इसे पूरा नहीं पकाना है, हल्का सा जब ये बाकी रहेगा तो इसे उतार देना है। अब मैंने यहाँ पर प्याज को इस तरह से बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर हरी मिर्च, नींबू और जो थोड़ा सा पुदीना मैंने बचाया था उसे भी बारीक बारीक काट लिया है। तो सबसे पहले मैं प्याज को फ्राई करके निकाल लूँगी, तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी कटे हुए प्याज को और इसे अच्छे से लाल फ्राई कर लूँगी, और इसे मैं अलग से निकाल लूँगी। तो प्याज फ्राई हो चला है, हाई फ्लेम पर इसे फ्राई कर लेती हूँ ताकि जल्दी से फ्राई हो जाए। तो ये देखिए प्याज जो है वो फ्राई हो चुका है।
तो प्याज को मैं अब निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं पानी को बॉयल कर लूँगी चावल के लिए, और पानी बॉयल हो चुका है, इसमें मैं डाल देती हूँ चावल को अच्छे से धो करके। 3 से 4 पानी से मैंने चावल को धो लिया है, पानी में मैं चावल को डाल देती हूँ। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी नमक, तो 2 चम्मच मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी खड़े गरम मसाले और 3 से 4 पीस तेज़पत्ता। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच चीनी, फिर मैं डालूँगी इसमें नींबू का रस। चीनी और नींबू का रस डालने से चावल जो है वो बिल्कुल खिला खिला रहता है और सारे दाने अलग अलग रहते हैं और चावल जो है बिल्कुल वाइट दिखता है। अब मैं इसे चला लेती हूँ। चलाने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच तेल डाल दूँगी, इससे भी दाना जो है वो एक दूसरे में सटेगा नहीं। और फिर से मैं इसे चला लेती हूँ और इसे थोड़ा सा पकने के लिए रख देती हूँ। चावल पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक मैं चिकन को पका लेती हूँ। तो जिस तेल में मैंने प्याज फ्राई किया था उसी तेल को मैं एक अलग से बर्तन में डाल दूँगी जिसमें मुझे बिरयानी बनाना है। अब मैं इसमें डाल दूँगी मैरिनेट किए हुए चिकन को और इसे 5 से 6 मिनट पका लूँगी। और चिकन को 1-2 मिनट मैंने इस तरह से पहले पका लिया है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी फ्राई प्याज को, हाथों से मैंने इसे चूर कर लिया है, और इस प्याज को मैं इस चिकन में डाल देती हूँ और इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देती हूँ। 2 मिनट मैंने इसमें ढक्कन लगा करके चिकन को मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया था, तो चिकन जो है वो बहुत अच्छे से पक चुका है। 1-2 मिनट और लगेंगे, उसके बाद मैं इसमें चावल को डाल दूँगी, तब तक मेरा चावल जो है वो भी पक जाएगा। और चावल को पूरी तरीके से नहीं पकाना है, चावल में जब एक कण बाकी रहे तभी चावल को पानी से छान लूँगी। चावल जो है वो पक चुका है, अब मैं इसका पानी एक जाली में डाल करके छान लूँगी। तो ये देखिए चावल के पानी को मैंने अच्छे से निकाल लिया है, और अब इस चावल को मैं डाल दूँगी चिकन के ऊपर। और चिकन में मैंने थोड़ा सा ग्रेवी रहने दिया था ताकि जब मैं चिकन और चावल को दम पे लगाऊंगी तो चिकन जो है वो नीचे से जले नहीं और परफेक्ट बिरयानी बन करके तैयार हो। अब मैं आलू को डाल देती हूँ चावल के ऊपर। आलू को भी मैंने पूरी तरीके से नहीं पकाया था, इसलिए ताकि जब मैं आलू को चावल और चिकन के साथ दम पे डालूं तो आलू जो है वो ज़्यादा ना पक जाए। अब चावल से मैंने आलू को चारों तरफ से कवर कर दिया है, और आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने उबला हुआ दूध लिया है, और इस दूध को मैं डाल देती हूँ चावल के ऊपर से ताकि चावल जो है वो अच्छे से पक जाए। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 चम्मच फूड कलर, कलर मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च, पुदीना, और प्याज को मैंने फ्राई किया था उससे आधा प्याज मैंने निकाल के रख लिया था, तो प्याज को मैं डाल देती हूँ चावल के ऊपर। फिर मैं इसमें डालूँगी कटी हुई हरी मिर्च, उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी कटे हुए पुदीने के पत्ते को। अब मैं इसमें डालूंगी देसी घी, तो 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें देसी घी को ऊपर से डाल दिया है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है बिरयानी में, घी की खुशबू बिरयानी में बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैंने घी डाल दिया है 3 चम्मच। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसको दम पे लगा दूंगी, जिसके लिए मैंने एक साफ़ कपड़े को बिरयानी के ऊपर से इस तरह से ढक दिया है, और इसके ऊपर रख दिया मैंने एक ढक्कन को, और कपड़े को चारों साइड से मैंने मोड़ करके ढक्कन के ऊपर रख दिया है, और एक भारी सी चीज़ को प्लेट के ऊपर मैंने रख दिया है। और दम के लिए 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसे छोड़ दिया है। और ये देखिए मैंने ढक्कन हटाया और बिरयानी जो है वो बन करके तैयार हो चुकी है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, मैंने कोई भी गर्म मसाले का अलग से यूज़ नहीं किया है, जितने गर्म मसाले थे उसे मैंने पीस कर ही डाला है, और बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है इस बिरयानी से, और बहुत ही परफेक्ट बिरयानी जो है वो बन करके तैयार हुआ है। इसके दाने देखिए बिल्कुल अलग अलग हैं, और इतना अच्छा कलर लग रहा है बिरयानी का, मसाले वाली जो बिरयानी है वो सबसे नीचे है, बीच में वाइट और ऊपर में बिल्कुल ऑरेंज कलर की, बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बिरयानी जो है वो बन करके तैयार हो चुकी है। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही कम मसालों में इस बिरयानी को आप घर पे बना सकते हैं। मेरी बिरयानी की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप भी एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें।